एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं ग्रुप स्टडी के लिए मेरी दोस्त के घर पे। वहाँ पे हम ग्रुप स्टडी करेंगे। दरअसल मेरा पेपर है, हमारा पेपर है बीए पार्ट टू का, 23 लाइक मंडे को, एक मंडे को, फ्राइ मंडे वेनिसडे एंड फ्राइडे। तो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मंडे को मेरा पीएससी का पेपर है, जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी, इवन उर्दू एज वेल। अच्छा जी, तो जो मैं ये हम कहती हूँ ना कि हम जा रहे हैं, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी तो वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो मतलब हो गए ना हम, आप और मैं मिलकर हम, तो ये होता है। अच्छा जी, चले अब हम चलते हैं। ये मेरा सारा सामान हो गया, तुम जिंदा रखना है। ये मेरा पाउच, ये मेरी बुक्स, तो इसमें शायद एक हाथ से ना आ गई। अच्छा, फिर अब मेरा वॉलेट में माय चार्जर, पेंसिल, सनग्लासेस और मेरा मास्क, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट माय मास्क। अच्छा जी, तो जो ये रोड इतनी साफ़ सुथरी दिख रही है ना, इतनी खाली, नो ट्रैफिक, नो वन, तो ये है 10 मुहर्रम का कमाल। आज 10 मुहर्रम है, तो इसकी वजह से सब कुछ बंद किया हुआ है ना, सारी शॉप्स बंद हैं, सारे रेस्टोरेंट्स ओवरऑल बंद हैं, तो इस वजह से। खैर, अब ये मेरी दोस्त का घर आने वाला है, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं उसके घर के, तो अब ऑलमोस्ट देखें कितनी पढ़ाई होती है आज हमसे, क्या क्या तीर मारते हैं आज हम सब मिलकर बैठ के। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, थोड़ा मैं लेट थी तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा कवर कर लिया। हमें पढ़ाई करनी थी, तो इसी वजह से सारे के सारे फ़ोन्स, इवन इंक्लूडिंग माई वन, सारे हम लोगों ने उठाकर मतलब अलग रख दिए थे। इसके अलावा दो फ़ोन्स और हैं जो वो हम आज़ाद कर चुके हैं, क्योंकि अभी खाना लगने वाला है। हमारी कंप्लीट हो गई है, बहुत 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 अलग लाख लाख शुक्र है, कंप्लीट हुई है। अब हमारा पीएसटी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मंडे को पहला पेपर है पीएसटी का, तो पीएसटी हमने स्टार्ट की है। देखिए अब क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल खाना लगने लगा है, तो अब ये सब खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा खाना स्टार्ट हो गया है। मेरा तो रोज़ा है, तो मैं खाना खा नहीं रही। मैं आपको दिखा देती हूँ इनको खाना खाते हुए, अगर इन्हें बुरा ना लगे तो। खनसा की मामा ने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी, जो ये लोग अकेले अकेले खा गए। तो जब आप अकेले बैठे हो और आपके सारे दोस्त माशाल्लाह से खापे में मसरूफ़ हो, मैंने कह रही थी जल्दी खाना खत्म करो एंड सी द रिएक्शंस। फाइनली अब जाके इन लोगों का खाना ख़त्म हुआ है, खाना ख़त्म कर लिया है इन लोगों ने, और इसकी मामा इतनी पोलाइट है, उन्होंने बिरयानी थी, बिरयानी इज़ लव एज यू गाइज ऑल नो, तो इसकी मामा ने बिरयानी मुझे भी दी है कि मैं घर जाके आफ्टर रोज़ा, आफ्टर अफ्तारी, मतलब अफ्तारी में खा लूँ। अच्छा, तो कंसा ने उधर बुलाया है, माशाल्लाह से घर बहुत बड़ा है, तो ये हमें कुछ दिखाने के लिए बुला रही है। अच्छा, तो अभी पता चला कि कंसा ने हवा दिखाने के लिए बुलाया है, मतलब हमें हवा दिखाना चाह रही थी। वाओ, अलावा उसने ये भी दिखाना था, यू चेक करे भाई। अच्छा, ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये मेरी दोस्तों की है। आप लोग मेरे दोस्तों से मिले, अलिशबा, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है लिश बुक के नाम से, सना खनसा साहर जो शर्मा रही है, और एक और है जो गायब हो गई है यहाँ से। ग्रुप स्टडी हो गई है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक, और ये सब लोग अपनी अपनी बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रही, ये लोग अपनी अपनी सेल्फीज में मसरूफ़ हो गए, और मैं अब यहाँ से निकलने लगी।
जी, तो हंसा के घर से ग्रुप स्टडी करके मैं यहाँ आई हूँ ब्यूटी व्लॉग्स बाय फरहत फजी के घर, जो मुझे कुछ काम था उनसे, तो इसीलिए मैं उनके घर पे आई हूँ थोड़ा अपना काम पूरा करने। तो उनके लिए सरप्राइज़ है, यप, उन्हें पता नहीं है कि मैं उनके घर आ रही हूँ। यहाँ आए हैं और पता चला कि नहा रही है फजी, मतलब आई हैव टू वेट फॉर हर। तो फाइनली ब्यूटी व्लॉग्स बाय फरहत आ चुकी हैं, फजी आ चुकी हैं, तो मिलिए फजी से। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? देख लें, फाइनली इन्होंने आके मुझे सरप्राइज कर ही दिया, वरना तो ये आती ही नहीं है। हाँ, ये सरप्राइज बोले ना, ये सरप्राइज था। आ जाए, नहीं भाई, इन्होंने नहीं आना। हाँ, ये सरप्राइज था इनका, इनके लिए आज इनको थोड़ा शॉक करना था। इनका भी चैनल है, ये मेरी मोटिवेशन है, इनकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इसके अलावा मेरी अम्मी भी मेरी मोटिवेशन है, बट ज़्यादा जो मोटिवेट, मतलब कि बस अब तुम बना लो हाँ, इन्होंने तो किया। मैंने बोला कि अगर मैंने बनाया है तो फिर ये क्यों पीछे रही है, ये भी तो मेरे साथ साथ चले ना। हर सफर साथ तय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इनकी वजह से मैंने अपना चैनल बनाया है, और माशाल्लाह इनके बनाने के 3-4 दिन बाद मेरा स्टार्ट हो गया था। अच्छा, तो खैर, इनका चैनल मैं ना लिंक में डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जाके इनके चैनल की वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी करें, बिकॉज राइट नाउ वी नीड सपोर्ट। यस, वी नीड योर सपोर्ट। यप। तो एक सरप्राइज था, वो ये था कि जो हमारी एक दोस्त थी, मतलब जो हमारे कॉलेज का ग्रुप है ना, हमारे कॉलेज के ग्रुप की एक दोस्त है जो दुबई में होती है, मतलब दुबई रहती है, तो वो आई पाकिस्तान वेनिस्डे को कल। तो मीटअप अरेंज हुआ कि ग्रुप स्टडी है, हम सब मान नहीं रहे थे कि नहीं नहीं करना, बट हम जब वहाँ पहुँचे तो वो वहाँ पे थी, तो मतलब इट वाज अ सरप्राइज़। वो एक सरप्राइज़ था हमारे लिए, सिर्फ दो लोगों को पता था उसके बारे में, बाकी किसी को पता नहीं था, तो इट वाज अ बिग सरप्राइज़। तो खैर, अच्छा रहा आज का दिन मेरा, तो आई होप कि आपको भी मेरी वीडियो से एंटरटेनमेंट का कुछ सामान तो मिला ही होगा लाजमी। तो फाइनली अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। इट वॉज सच अ टाइडी डे, मतलब मैं बहुत थक चुकी हूँ। एक तो मेरा रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से इतना कि यार, मतलब बातें इतनी हुई है ना कि गला खुश्क हो चुका है, मतलब माई थॉट इज़ जस्ट लाइक स्क्रीमिंग कि मुझे कुछ दे दो। अच्छा जी, खैर, अब फजी के घर से आ गई हूँ। फजी को मैं फजी इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो मुझसे 2 साल सिर्फ बड़ी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल। तो आई कॉल्ड हर बाजी, तो फरहत बाजी को मिला के फजी। अच्छा जी, तो आप उन्हें फॉलो कीजिएगा लाजमी, क्योंकि उनकी ही बदौलत मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उन्होंने मुझे बहुत हद से ज़्यादा मोटिवेट किया है, मतलब मेरी अम्मी और फरहत बाजी फजी, इन दोनों ने मिलकर मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मेरा आज यूट्यूब चैनल बन चुका है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन, मेरा जो पेपर है, ओवरऑल मेरे 5 पेपर्स हैं, ठीक है। तो जो होने पेपर एग्ज़ाम्स हमारे होने थे फरवरी में, फेब में, बट ड्यू टू कोविड हमारे आगे पोस्टपोन होते गए, अभी अगस्त आ गया, ठीक है, फेब टू अगस्त। अच्छा जी, हुआ ये कि 4 अगस्त को हमारा साइकोलॉजी का पेपर था, जो डेट अनाउंस हो चुकी थी, डेट शीट बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, बट लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से वो पेपर भी हमारा आगे वो हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो अब जो पुरानी डेट शीट के जो 3 पेपर थे वो उस हिसाब से हो रहे हैं, मतलब कि मंडे, वेनसडे और फ्राइडे, एंड देन सोशल वर्क लास्ट में, तो अभी साइकोलॉजी का कुछ कंफर्म नहीं है। तो खैर, आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत थक गई हूँ हद से ज़्यादा। उसके अलावा कुछ बुरा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इंशाल्लाह अब हम लोग अगले व्लॉग में मिलते हैं। हाफिज़।